आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं, रोते रोते गला बैठ जाता है। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कभी उनके परिवार से मिलिए। एक अजब सी शून्यता होती है उनके आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई बस याद भर दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अलवर में तैनात सूबेदार रामधन पासवान का पार्थिव शरीर आज बुधवार को उनके पैतृक गांव कराकाट प्रखंड के चीला लाया गया, जहां गांव से बाहर बगीचे में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सूबेदार रामधन पासवान 45 वर्षीय ऑन ड्यूटी अचानक अस्वस्थ हो गए थे और मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। परिजन बताते हैं कि रामधन 1995 में भारतीय थल सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी तैनाती राजस्थान के अलवर में थी, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अलवर में सूबेदार रामधन पासवान का शव लाया गया। शव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो उठा। गांव के लाल के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को जवान अपने कंधे पर बगीचे तक ले गए, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके इकलौते 8 वर्षीय पुत्र सनय ने उन्हें मुख्य अग्नि दी। रामधन को अंतिम विदाई देने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर गया से नायब सूबेदार सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में सेना के जवान पहुंचे। बलिदानी सूबेदार के सम्मान में जवानों ने 21 चक्कर गोलियों की सलामी भी दी। सूबेदार रामधन के निधन से पूरा परिवार शोक में है। उनकी पत्नी उर्मिला, दो बेटी रूही और रिहा का रो रो कर बुरा हाल है। मृत सूबेदार के भाइयों के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। पति के शव को श्रद्धांजलि देते हुए पत्नी उर्मिला मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सोरा चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन शा